मार्केट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, जॉब मार्केट में, इंडस्ट्री में, ऑफिसेज में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशंस उन्हें ढूंढने पड़ते हैं। उन सोल्यूशन को ढूंढने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास वो एक्सपीरियंस मौजूद हो, जिनके पास वो नॉलेज मौजूद हो, जिनके पास वो एक्सपर्टीज मौजूद हो। जिस वक्त वो ये देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे इन मसले और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होगा कि सबसे पहले जब हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में देखें तो एजुकेशन सिस्टम में किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है, उसमें एकेडमिक एक फोकस रहता है कि भाई आपने ये 10, 15, 20, 25 जो आपने सब्जेक्ट पढ़ने थे डिग्री में, आपने उन डिग्री को कंप्लीट कर लिया। माइंडसेट वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे माइंडसेट रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर हासिल कर लें ताकि जॉब मार्केट में आपको मेरिट के ऊपर आपको जो है उसमें आपको एंट्री मिल जाए। इसमें मेरा कोई डिनाइल नहीं है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे अदारे एक कट ऑफ लगाते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक सर्टन जीपीएस के साथ वो बच्चों को जो फ्रेश एंट्रेंस हैं उनको हायर कर लें। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम एक और शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये शुरू हो जाता है कि जिस वक्त वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और अगर आपके पास वो राइट माइंडसेट नहीं होता, राइट करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास नहीं होती कि आप उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सको, उसके प्रॉब्लम को एड्रेस कर सको, तो वही जॉब आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है और एम्प्लॉयर के लिए भी बहुत बड़ा मसला बन जाती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जिसका मैंने वजाहत की थी, कि इसी हवाले से कौन सी प्रेपरेशन है जो हमें यूनिवर्सिटी लेवल तक करनी चाहिए, उसकी मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब मैं बात करता हूँ कि अब आप मार्केट में आ गए, अब आप जॉब मार्केट में हैं, और चूंकि हमारे यहाँ पे कोई कैरियर काउंसलिंग का मेरे इल्म में नहीं है कि अभी क्या कोई इतना फॉर्मल सिस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, लेकिन चलें हम शुरू से स्टार्ट से बात करते हैं। अब आप जॉब मार्केट में आ गए तो जॉब मार्केट में सबसे पहले आप देखें कि जब भी आपको जॉब मिलती है तो जॉब मिलने के लिए आपको किस चीज़ के अगेंस्ट आप पे होते हैं। जॉब है क्या बेसिकली, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें। जॉब ये है कि मैं किसी अदारे में जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूं कि जनाब मैं एक महीने या मैं हर दिन में 8 घंटे का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं 8 घंटे आपकी कंपनी में काम करूंगा, मैं उसमें अपनी सर्विसेज दूंगा, उन सर्विसेज के अगेंस्ट उसमें जो मैं टाइम लगाऊंगा उस टाइम के अगेंस्ट आप मुझे पे कर देंगे। तो अगर हम इस नुक्ते को ले लें तो क्या हम अदारों में टाइम के हवाले से पे होते हैं? उसका पार्शल आंसर यस होगा, टोटल आंसर यस नहीं होगा। देखें, कंपनी के अंदर अगर आप देखें, उसी कंपनी में जहाँ पे वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी होता है, उसी अदारे में एक जगह पे आपके मैनेजर्स होते हैं, उसी में सुपरवाइजर्स होते हैं, उसी में वर्कर्स होते हैं, उसी में एक टी बॉय भी मौजूद होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ आवर्स देखें जो हर एक ने दिए कंपनी में, वो तो सेम होते हैं और मोर और लेस सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 आवर्स अ वीक हमारा लीगल हमें आवर्स देने पड़ते हैं, लेकिन क्या सबकी पे सेम होती है? आंसर है, सेम नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट तो नंबर ऑफ आवर्स का होता है, लेकिन जो हमारी पे होती है कंपनी के अंदर वो उस वैल्यू के अगेंस्ट होती है विच वी ब्रिंग ड्यूरिंग दोस आवर्स टू दैट कंपनी और टू दैट एम्प्लॉयर। वो उस वैल्यू के अगेंस्ट हम पे कर रहे होते हैं, तो हमारा जो कस्टमर है वो हमें पे कर रहा होता है। इसको मैं इसको इस और हवाले से देख लें कि इसको अगर हम एग्री कर लेते हैं कि हमें कंपनी में जो जॉब है बेसिकली हम एक सर्टन सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, जितनी वैल्यू के हमारी कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स दैट सोल्यूशन उतनी बेटर हमारी कंपनसेशन होगी। अब और हम सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स के साथ पे नहीं हो रहे होते बल्कि उस वैल्यू के साथ पे हो रहे होते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट को अगर हम आगे लेकर चलते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि अच्छा जनाब अगर मैं वैल्यू प्रोवाइडर हूँ तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये बनेगा कि फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ मैं अपनी वैल्यू को इन्हेंस कर सकता हूँ अपने अदारे में। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लें, उसका आंसर है एक वर्ड में जिसको हम कॉम्पिटेंस बोलते हैं, जिसको उर्दू में मस्तनद कहते हैं, कि आपका अंदर महारत हासिल है। जितने आप माहिर होंगे, सादा लफ्ज़ों में जितने आप माहिर होंगे किसी काम में, उतनी ज़्यादा वैल्यू आप जनरेट कर सकेंगे और उसी वैल्यू के अगेंस्ट आपको पे होगा। अब इसके जब हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंस के 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस लेवल, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी फील्ड का। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आप
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक लेवल होता है जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, उसको अवेयरनेस लेवल कहते हैं। उसका दूसरा लेवल होता है जिसको हम नॉलेज लेवल कहते हैं। उसका तीसरा लेवल होता है जिसको हम स्किल लेवल कहते हैं। और उसका जो आखिरी लेवल होता है वो उसकी मास्टरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आप कभी भी मास्टरी नहीं अचीव कर सकते जब तक आप उसमें स्किलफुल ना हो। आप कभी भी स्किलफुल नहीं होते जब तक आपके पास उसका नॉलेज और अवेयरनेस ना हो। हमारे जो अदारे हैं, अदारे में हमारा जो असल फोकस होता है या जो चीज़ हम अचीव करके आ रहे होते हैं, वो क्या चीज़ अचीव करते हैं? जब हम बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हम अवेयरनेस और नॉलेज लेवल को अचीव कर रहे होते हैं कि हमें बहुत सारे मजमून के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की समझ आती है, हमें बहुत सारी चीज़ों में इनके क्या डिफरेंट कवानीन हैं, हम उनके फाउंडेशंस को, फंडामेंटल्स को समझते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए कि अगर हमने उस वक्त सारा फोकस सिर्फ इस बात पर रखा कि इररिस्पेक्टिव मुझे इन फाउंडामेंटल प्रिंसिपल्स की समझ आए या ना आए, भले से मुझे तो बस एक पीस ऑफ पेपर चाहिए जिसके ऊपर मेरा जीपीए बहुत अच्छा हो और उसे मैं कोशिश ना करूं इसके कॉन्सेप्ट को हासिल करने की, तो मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी फाउंडेशन वीक होगी तो आप कभी भी किसी अदारे में जाके वहाँ पे आप स्किलफुल होने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको अगेन अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ेगा उन फंडामेंटल प्रिंसिपल पे। तो फाउंडेशन में आपको अवेयरनेस नॉलेज का होना ज़रूरी है ताकि जिस वक्त आपकी मुलाजमत हासिल होती है तो आप वहाँ पे स्किल और मास्टरी के लेवल के ऊपर अपने आप को लेकर जाते हो।